والصلاة والسلام على قائد غر المحجلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مصطفی دوہائیاں پے گیاں مصطفی دوہائیاں انہیں سارے لب کھول کے پڑھو مصطفی دوہائی پالو مصطفی دوہائیاں مصطفی دوہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیاں سجدے خدائیاں پہ گیاں پر سجدے نے چڑھیا کھجوراں اگبیاں سجدے نے وچ جدائیاں پہ گیاں جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں پر توں جنا دی کٹڑی چک کے آمینہ
ते चढ़ गया कुफर दे चेहरे ते छाइया पै गया कुफर दे चेहरे ते छाइया पै गया पर रब ने रब ने सानों बख्श देना रब दी सो आका वल्लों जे सफाइयां पे यूसुफ गुजर जुल्फकार और जितने भी इन्होंने मुआविरीन ने सरकार दे मिलाद दा एहतमाम कीता दुआ है अल्लाह के सैयद कनाद सरकार साहब दी काफ अपने बारगाह में कबूल फरमाए और कारी मुसर फराज साहब कारी अहमद कारी आमर और कारी शान साहब हाफिज नजाकत अली कारी मुख्तार साहब कारी राशिद जितने भी सब नबी के मिलाद सलाम सब के जितने सना खान मुस्तफा तशरीफ ले उलमा तशरीफ लेके आए अल्लाह के सब मुतकद्दर बरकत अता फरमाए मेरे ब्रादर मुकरम भाई मोहम्मद फयाज अहमद तबसुम साहब इमान ने मोहब्बत अल्लाह तआला सलामत रखे सैयद के नाद सदका अल्लाह की सरकार जोड़ सरकार इन्हें नतुकन बरकत आ फर इन्हें मोहब्बत अल्लाह तआला सलामत करे यकीन करो सात लाख सर हुजूर दे नाल नबी के मिला सलाम ने सानू अपने जिक्र वस छोड़ लिया आते हैं वही जो लोग ने सरकार बुलाते हैं थोनू सरकार ने बुला दिया यकीन करो बड़े खुश नसीब लोग ने माशाल्लाह गुजर बरादरां ने सरकार दे मिलाद दा इत्तमाम कीता दुआ अल्लाह करीम साडे सब दी हाजरी कबूल फरमाए कुरान करीम दी आयत ने हिफ्ज़ हासिल कीता अल्लाह के मशार फरमा इन्ना अर्दल अमानत अल समावात वल अर्द वल जिबाल निशार फरमा के से अपने अमान को पेश फरमा जमीन आसमान से पहाड़ों ते फअबैन अन यहमिलहा फरमाया कि जमीन से आसमान से पहाड़ा ने मेरी अमान का बोझ उठा कर निकाल कर दिया व अशफक न मिनहा और इनकार किया और डर भी किया अल्लाह ने फरमाया जमीन से आसमान से पहाड़ों का मेरी अमान का बोझ उठा लो अर्दिकति के लाख गुलाल अमीन अगर तेरी अमान का बोझ है सानू अता की करेगा तो अल्लाह के निशार फरमा जड़े करेंगे फमत ने नजारे तैयार नहीं जड़े करेंगे ना फज हनन दे अंगारे तैयार नहीं ते जमीन से आसमान से पहाड़ डर गए अर्दिकती खिला खुला लमीन तेरी जन्नत वाले चले के तेरी दोस्त से अंगारे डर पे लगदा है वो हमल हाल इंसान इंसान ने उस अमान ते इलाज का बोझ उठा लिया वो केड़ी अमानत सी अल्लाह ने फरमाया आदम अलैहि सलाम 18,000 मखलूक तो बड़ा कमजोर इंसान है इश्क दा भार किवें चुकेगा ते शेख साडी फरमाया कि ऊंट मस्त आवाज एक मान दी बजाय दो मान भार चुक जांदा
फिर आदम अलैहि सलाम ने इतनी किश्ती मस्ती छाई कि आपने भार भर रखे ही नहीं अर्ज की थी ला गुलाल अमीन तू जो एडा सोना है जेड़ा भाच गा मैं और भाच गा हच बोलो सुभान अल्लाह भाई फियाज साहब दी बाकी गल ठीक सी कि बंदे बोलदे ने जेड़ा सरकार दे जिक्र वास्ते हच बोलो सुभान अल्लाह जेड़ा तक गुज्जर ब्रादरा नु मुंह खाना है कि मैं सरकार दे मिलाद चाहे वो बंदा बेशक चला जाए जेड़ा हुजूर वो खाना है कमली वाला मैं थोड़े मिलाद को हद तक बोलूं सुभान अल्लाह एवें नहीं मेरा के मिजाज दे ना मचो तो के थन बैठ ते ना बैठ हद तक बोलूं सुभान अल्लाह जेड़ा सुभान ले ए सुच बोले किबला उलमा वेश माशाल्लाह कितने प्यार उलमा बैठे ने इन दे زیارت भी करो नबी के मल्ला सलाम दे दीन दे आलम ने इन زیارت मत इन वेक सुभान अल्लाह बोलो पहली गल सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दा बस दा रोज नहीं इह तां अपने नसीबां ते मुकद्दरां दी बात है सियाणे लोकां ने वड्डे लोकां दे कद वड्डे हुंदे वड्डे लोकां दे दिल वड्डे हुंदे पीरे बाहू ने फरमाया सी दिल दरिया समुंदर डूंगे दिल दरिया वरगा होवे समुंदर डूंगा होवे कुछ हुजूर दा इश्क सुभान अल्लाह आप ही निकले हुंदे माशाल्लाह राणा जहीद साहब 104 चक्कर में ना तशरीफ लेके मोहब्बत ने हामल ने अल्लाह के सब सुनो हो बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह के शाह फरमाए नार दल मान तल समावात वल अर्द वल जिबाल फा बैन अय यहमिल खान व अशफकना मिन अर्दिक दिया ला रो लवागा फरमा आग की छाला मारिया पैनिया अर्दिक दिया ला मार देवागा फरमा पुत्र दे खलक ते छुरी रखनी पवे अर्दिक दिया ला रख देवागा फरमा यूसुफ बन के मिस्र बाजारत विकना पवेगा अर्दिक दिया ला रख जावागा फरमा कदी बनना पवे अर्दिक दिया ला बन जावागा फरमा अद्दी रातल उठ के रोना पवेगा अर्दिक दिया ला रो लवागा फरमा मुसल्लत राता गुजारनिया पैण गिया अर्दिक दिया ला गुजार देवागा फरमा ता पतरा पत्थर खाने पैण गे अर्दिक दिया ला खा लवागा फरमा मदीना छड़े के करबला आना पवेगा अर्दिक दिया लया जावागा फरमा 18 साल अली अकबर देना पवेगा अर्दिक दिया ला दे लवागा फरमा 6 महीने दा असगर देना पवेगा अर्दिक दिया ला दे लवागा फरमा निकी सकीना नो भी देखनी पवेगी अर्दिक दिया ला देख लवागा फरमा चढ़ के कुरान पढ़ना पवेगा अर्दिक दिया पढ़ लवागा कुदरत की आवाज आई ते तू सारा कुछ मेरे इश्क बदले करेगा फिर तेन फरिश्तों को सजदे ना करावा मैनू रब खोल खे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत दोनों हाथ उठा के लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक 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 या ओ बोलो सुभान अल्लाह जितने मस्तूद दे मल्ला करना बना मेनू रब कौन आखे भाई फियाज भाई बच्चा वे छोटा ते काम कर दे बड़ा ते कर सब बाप बच्चू बड़ राजी हो ते बाप बच्चों ने कह रहे तेनू काली कालिया वड्डा कर लगी
ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਫਾਹ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਹੂ ਕਾਨ ਜ਼ਲੂਮ ਜਹੂਲਾ ਉਹ ਜਹਲਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਏ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਕ ਪੈ ਲੱਗ ਤੇ ਹੋਬਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚਲੇ ਪੀਰ ਬਾਖ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਖਾਵੀਏ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਬੋਲੋ ਹੱਜ ਚੁੱਕ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਰਫ ਕੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਪੀਰ ਬਾਹੂ ਸਦ ਸੁਬਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਆਪਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਈ ਠੰਡ ਜੇ ਇਤਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਲੀ ਬਾਸਕਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੱਥ ਚੱਕ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਪੀਰ ਬਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਆਸ਼ਿਕ ਹਵੇ फरमाया तो आपने फरमाया आशिक होवे तेईस की कमावे दिल रखी भागे पहाड़ इश्क आप चल के आ जाता हुसन होवे एडा सोना बनान वाला सामने रख आखे तेरी कसम तेरे वर्गा दूजा बनाए हुसन दी बार दी बार इश्क चल के आ गया कल सुना दे जिंदे अंदर हुजूर दे इश्क दी गर्मी हर चक बोलो सुभान अल्लाह पई मैं हाथ के साथ खड़े नहीं करना अल्लाह फरमांदा अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम अल्लाह फरमांदा कयामत जुबान ना बंद हो जाने के हाथ बोलने के अल्लाह तेरे हाथ में कुछ बनना की करदा रे ते हाथ आखे या अल्लाह ये जो जो भी करदा रे इन माफ कर दे दुर तेरे माफ ना औंदा ऊंचा हो सुभान अल्लाह बोलदा रे हुस्न होवे ते इश्क आपे चल के आ गया नबी के मला सलाम दे गुलाम जो अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम एक दिन मिस्र दी गली अंदर जा रहे हुस्न नबी दे ताजदार भाई फियाज भाई एक मायने आके यूसुफ आप तो बना के तेरे किसने बनाया
आपने फरमाया अम्मा हर यूसुफ के कदे बनाने वाला बेखल में लखा यूसुफ बोल जावे कदे बनाने वाला बेखल में लखा यूसुफ बोल जावे यूसुफ अलैहि सलाम मीराज शरीफ से गए सरकार कह रहा मीराज शरीफ से के सहाबा ने अरबी कती कमली वाला सुना सी अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहि सलाम बड़े सुने सुने सरकार ने फरमाया हां अगर कायनात अंदर 10 हिस्से हुस्न है ना 9 हिस्से अल्लाह ने यूसुफ अलैहि सलाम देते हैं ते जेड़ा एक हिस्सा पूरी कायनात मंडया जेड़ा एक हिस्सा पूरी कायनात मंडया उनदे विच भी यूसुफ दा हिस्सा है कल सुना दे कल सदक दा अल हुस्न दी गल करी अज जिक्र करना देखण वाले आला जिन ने सिर्फ देखया अल मुक्तसर जुलैखा ने यूसुफ दा इश्क कर लिया ते सारीयां बीवियां ते बहु मेना मारे कहण के जुलैखा ए गुलाम दिल दे बैठी ते आपने फरमाया तुसीं मेरा यूसुफ नहीं देखया ते कहण के वखा दे बहाना कहण के वखा दे आपने फरमाया तुसीं सेब खाओ ते मैं यूसुफ अलैहि सलाम लेके आउणा हां लंबी दास्तान इंशाल्लाह मैं कदी अर्ज करांगा जुलैखा अर्ज कीती हुजूर बस नकाब थोड़ा जिहा सरकाया दे पढ़ा कुरान मैं पहले आखा के सुभान अल्लाह बोला हर बंदे दा बस दा रोग नहीं इश्क दी गल है इश्क वाले बोलो सुभान अल्लाह अलग में शाह कतार आईडिया होना वा कुलना है अपने हाथों की उंगलियां कट लिया उंगलियां के टुकड़े हो गए बाखमली वाला मैं तेरे हुस्न को वारी जावा जिन्हा ने यूसुफ का हुस्न वेखिया उन्हें औरतों ने अपनी उंगलियां कट लिया बाखमली वाला मैं तेरे हुस्न को वारी जावा जिन्हा ने यूसुफ का हुस्न वेखिया उन्हें औरतों ने उंगलियां के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरी सरकार की उंगली का हुस्न देखे चंदे के टुकड़े मेरी सरकार दी बस उंगली दा हुस्न वेख के चांदे टुकड़े 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 हो गए सुभान अल्लाह घर जाके बोलया एक बार सुभान अल्लाह सहाबा ने अर्ज की कमली वाले अल्लाह ने भी यूसुफ अलैहि सलाम बड़े सोने सर हुजूर ने फरमाया हां बड़े सोने सर ते अर्ज की सुन सुन गल बात होई होवेगी ते मियां मोहम्मद बख्श फरमाने के मैं दसना कि यूसुफ अलैहि सलाम ने हुजूर ने केड़ी गल की थी मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने के आपने फरमाया के बेशक हुस्न ज़्यादा मेरा ए कुल जहाना नालो पर नहीं ज़्यादा कीमत मेरी आँखें तेरी अज़ले आखा
ਮੇਰੀਆ ਸੁਨੇ ਪਾਰਾਵਨ ਸਾਬੇ ਮੁਹੱਦਸ ਦੇਨਵੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸ਼ਾਇਮ ਦਰਹੀ ਨੁਖਾਬਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹਰਦੀ ਕੀ ਕੰਬੜੀ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬਤ ਪੜਿਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਰਹੀ ਏ ਹਰਦੀ ਕੀ ਕੰਬੜੀ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਾਫਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਇਮ ਦਰਹੀਮ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਪਰ ਕੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਰਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ बाबा फरीद फरमाते हैं कि आका मेरा है चंदू सोना आका मेरा है चंदू सोना क्यों सोने दिया डलिया मुखड़ा चंद बदर है नूरी दंद चबे दिया कलिया ते खुश गफ्तार करे हो ऐसी क्यों मिसरी दिया डलिया गुलाम फरीदा ओ जन्नत केड़ी ओ जन्नत ते सोने दिया गलिया मल गुलाम आरफ को जो तोड़ गए ਸ਼ਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਰਦੀ ਕੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਵਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲਫੁਰ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਖਲਕਤ ਰਜੀ ਰੱਜ ਗਏ ਤੋ ਵੀ ਜਹਾਨੀ ਅਰਦੀ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਫਰਕੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਜਾਵੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤਰਜਮਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣੀ ਮਾਲਾ ਪਤਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋ ਆਲਾ ਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ सारे मिलके बोलो सबसे ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ
ते आला हजरत ने कलम तोड़ दिता आप फरमाते मन के खोल में अंबिया नबी के मिला सलाम बच्चा ना बड़ा प्यार मेरे फरमाइश नबी के मिला सलाम सबसे ना बड़ा प्यार सारे मदीने के बच्चे हुजूर के कोल आ जाते वो बच्चे कहने साडा कमली वाला आया साडा कमली वाला हदीसे पाक चंदे कुछ बच्चे सरकार दे सिर ते बैठ खेड़दे ने कमली वाला लोगों के बच्चा इना प्यार करता अपने हसनैन करी मैंने किन्ना को प्यार करता जाएगा ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੇੜੇ ਆ ਗਿਆ बच्चे कहने साडा कमली वाला उस बच्चे नाम से अब्दुल कुद्दूस नौजवान सरकार का बच्चा इतना प्यार करता नबी के मिला सलाम जब नमाज पढ़ जाने ना तो बच्चा ने कहने बच्चों आओ यार खेलिए उन्होंने खेड़ते लगा के आपके सामने हुजूर के हुजरे वाले देख के रख दिया इतना लगता है कदों बारे होना जे कदों बारे होना जे कदों बारे होना जे ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਬੀ ਕੇ ਮਿਲਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਆਹ ਸਰਦ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਖੱਟਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਦਾ ਹੌਕ ਤੇ ਭਰਦਾ ਆਹ ਸਰ ਬਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੀ ਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਸਾ ਪੀਰ ਸੈਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕੁਤੂ ਸ਼ੀ ਮੁਤਾਜ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਹੋਬਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਈ ਮੀਤ ਪੀਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੱਚ ਕਬਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪੀਰ ਸੈਦ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਲਗਾ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਇੱਥੇ दीनों इश्क लगा सीखे दा खेद दीनों खेड़ा भुल दिया बोले
भुल गईया मिटी की सी तरह फुले लवाली उनु देख दिया वे खुदिया खुल गईया कचल पाया सी और दे विघने बाबुल शाह ने फरमा इश्क कर दा सदा अपनी मर्जी दे कमे मेरे आका ने देखा बच्चे पैखे बच्चिया दरियां बच्चा कोई नहीं मेरे आखा ने फरमाया बच्चे ओ मेरा यार किथे वे अर्दी की कमली वाले क्यों ओदिया दा बच्चे बड़ा बीमार तन तन गुजरे ने अपनी मां दी गोदी अंदर बेहोश है मेरी आंखां ने फरमाया साहबा आ मेरे यार दा पता लैके आइए ओनू दस के आइए दे लजल लियो लई लज पाला नाल मेरे आका ने फरमाया सहाबा मेरी याद का पता लेके आइए उन दस के आइए दिल चल नहीं होता इन्हें ब्लड पाला तो ना लाइए अज तीन दिन गुजर कर सब बच्चा मां दी गोद अंदर भी होश तीन दिन के बाद बच्चे ने अखा खोली जो तीन दिन बाद बच्चे ने अखा खोली तो मां ने रूह तड़प गई मां ने कहा से पुत्रा की खाने की पिलाई उन्हे बाप ने सीने ना लगाया कह लगा पुत्रा निकी उम्र केड़े रोग ला देनी आ तेनू हकीम कोल लै जावा तेनू तबीब कोल लै जावा बच्चा रोके कह लगा बाबा जड़ रोग मैनू लग गए हकीम कोल इलाज नहीं रब दे हबीब कोल इलाज रब दे हबीब कोल इलाज ते बच्चा रोक गंदा याद तेरी दा
दीवा बालिया याद तेरी दा अपने दिल के अंदर हुदूद इक दीवे बालो खड़े गुलाम फरीद फरमाने में हुदूद ने याद तंग कीता फरमाने चढ़ गए कोठे फरमाने जो सरकार में दिलो आवाज मारे फरमाने अखां बाद खोली कमली वाला पिंडे आ गया नाले आपने फरमाया मैं दठो करके हाथ बुलंद करके इशादी नमाज पढ़ के बैठे हूं आ मैं डोला करा सुन्नी माना पुत्र बोलो सुभान अल्लाह भाई फियाज भाई वो बंदे बंदे सलाह करके आंदे अन मौलू टिल्ला ले मैं बोलना जो सलाह करके ओ ना बुझ हजर नहीं कर को हद तक बोलो सुभान अल्लाह मैंने शेर पढ़ने बस ही करना है कमली वाले बस याद तेरी दादी बाबा ने इंज रो के आह कमली वाला साडे को सिंड कबू कर वर कर साडे को अदल उमर वर कर साडे को हया और सुभान वाला को साडे को शुजाअत वाली को साडे को इश्क बिलाल वाला को साडे को उबी अबैस वाला को जे कमली वाला तू कदे आ जा तेरा जांदा उन साडा काम बन जान अपने हाथ बुलंद करके तो सारे ने बड़ा याद तेरी दा बाप ने सोचा को मुसलमाना दा बच्चा यार आवेगा बच्चा रोक कह लगा बाबा मेरा ओ यार जेड़ा जग दा वी यार ओ रब दा वी यार जग बनाने वाले रब दा वी यार जे बच्चा कहने याद तेरी दा
अचानक बाप दरवाजे को खड़ा हो गया। बच्चा कह लगा बाबा जावा क्यों नहीं, कह लगा पुत्रा कि मैं जावा ओ मुसलमाना दा नबी है पता नहीं साडे घर आवे के ना आवे। बच्चा रोक कह लगा बाबा ओ एडा लजपाल है ओनू जेड़ा बुलावे जगों बुलावे जिथे बुलावे ओ आ जाता। अचानक बच्चा उठ के खड़ा हो गया ते मां खाने के पुत्र लेट रखी अरे यहूदी खाने कमली वाला मेरा बच्चा तो उठ रहा है। मेरे आका ने फरमाया अपने याद का पता लेना है। नबी के मिला सलाम ने फरमाया अपने याद का पता लेना है। ते अर्ज की कमली वाले में थोड़ा यार टूट चले जा सरकार को अचानक बच्चा उठ के खड़ा हो के मां खाने के पुत्र लेट रखी हो ते रो के कहने लगे अम्मा मेरा यार आ गया उस बच्चे दे मौत के करीब आ गया। बच्चा रो के कह लगा डोगड़िया ठहर जा तकदीरे लगियां नो जान हवाले कर दे सा इस जान दा मालिक आले दे दे नबी करीम अल्लाह सलाम अपने याद को लाए हुजूर फरमा की अर्द की कमली वाला टल चले आ मेरे आका ने फरमाया पढ़ मोहम्मद मुस्तफा दा कलमा उस बच्चे ने सरकार दा पढ़ा कलमा उस बच्चे दे रूह पर वाज कर गए। नबी करीम अल्लाह सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनकज़ह मिन नार सरकार ने फरमाया मोहम्मद मुस्तफा दे सदके अल्लाह ने इन दोज़ख दी आग तो बचा ले आए। मेरे आका ने फरमाया सहाबा मेरी याद कसम दफन का इंतजाम करो यकीन कर यार मदीने दी गली अंदर जारा जनाजा उस बच्चे दा सुभान अल्लाह घर दे अंदर बोलिया होर बोलो सुभान अल्लाह अगर ये हाथ हुजूर वास्ते ना है एक नहीं हाथ नु बढ़ जाए। बुजुर्ग लोग फरमाने के फट पवे ओ सोना जेड़ा कन्ना नु खावे सरकार अपने पापा दे भाग दे सहाबा ने अर्द की कमली वा लिया पैर तकलीफ दे मोड़ दे चुक ले मेरे आका ने फरमाया पैर तकलीफ कोई नहीं आज मेरी याद जनाजे फरिश्ते इन्हें आए ने पैर रखण जो गई कोई नहीं आपने फरमाया बच्चा सड़ लगदा कुछ नहीं आपने फरमाया कि ना इस बच्चे नमाज पढ़ी ना रोजा रखा ना हड़के जिन्हें ज़कात दी
فرمانے حضور دے عشق لے کے ٹر گئے آپ نے فرمایا اے بچنوں دے اس جگہ تے اج میں آئی ہاں حتا کو سبحان اللہ جی بابا نے شاہ دربار تے ہاتھ سنی مانا پتا بولے سبحان اللہ بھائی خیال بھائی بابا نے شاہ اب اپ ضرور تڑپ گئے تو آپ نے فرمایا اگ دے عشق دوویں کے برا برا عشق دا سینک ودھے ریا اک بلے سڑک دیکھا دے تے عشق سڑے نبی کے ملہ سلام ایک دن گلی کے اندر جا رہے تھے سرکار نے باہی عقل بھی نظر آیا میں نے دوسرا فرمائش کی سمجھ دائی سانو سرنگی بھی سناؤں انشاءاللہ پھر کبھی موقع میں ضرور سناؤں حد تک بلو سبحان اللہ کیونکہ عشق کی گل چھڑی نبی کے ملہ سلام پیار کرے بچے سرکار دگنا بڑا پیار کرتے نبی کے ملہ سلام ایک دن گلی کے اندر جا رہے تھے سرکار نے باہی عقل بھی نظر آیا حضور ارد کر یا رسول اللہ میں سی زن فرمت تیرے گناہ سمندر جاگ جو زیادہ اکھیا نہیں حضور فرمت اس وڈی میں رب دی رحمت بڑی بسی اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اپنے قبل ستر دیاں نے مدد فرما کیتا ارد کملی والا میرے گھر بچے بچے دی پیدائش وقت ہے اپنی بیوی نو اکھ اگر بیٹا ہو تے رکھ تے بیٹی دفن کر دے ارد کے سونے میں چند سال بعد گھر اتم دروازہ کھڑ کر ایک نکی جی بچی دروازہ کھول کر میں پوچھا بچے تو کون ہے بچے کہنے لگے میں اس گھر دے مالک دی بیٹی تے کہنے لگے گھر دا مالک دا میں ہاں تے بچے کہنے لگے بندہ شکل دی بیٹی گیا ارد کی دی کملی والا میں ویکھ کے کہ سونی میری بیٹی ارد کی دی کملی والا بچے نے پکڑ کے اندر تے کرے صاحب دیاں دیاں دیاں
मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा के दिया ले परदेस में बाप ले दरवाजे खोल दिया कमली वाले बच्ची दी कबर कर जा रहे हूं मैं बच्ची दी कबर कट के कदों बच्ची नु कपट धक्का मारिया बच्ची दी चीखा निकल गया बच्ची रो के कहने के बाबा मेरा कसूर की है रे बाबा मेरे को केड़ी गलती हो गई रे बाबा मैं तेरे आराम उड़ी दी रही हूं कदों लोका दे बाप अपने बच्चन ले प्यार करदे रहे ने ना तन याद कर दी रही मैं बाबा मेरे कड़कड़ी गड़ी हो गई अर्धी किसी कमली वाले बच्चे दे मिट्टी पौंदा रहा मियां साहब ने फरमाया बागां दे विच इक हरियल तोता फिरदा डाली डाली कमली वाला बच्ची ते मिट्टी पौंदा रहा बच्ची कह लगे बाबा मेनू दबी ना वे बाबा मेनू मारी ना वे बाबा परदे सादिया नाल एदे नहीं करीगा अर्दी किसी सोने बच्ची ते मिट्टी पौंदा रहा बच्ची कह लगे बाबा मैं तेरे कोल कदे सूट नहीं लगागी मैं को सूट दे सारी जिंदगी गुजार देवांगी वे बाबा मैं कुछ नहीं मंगदी मैं तेरा चेहरा देख के जिंदगी गुजार देवांगी अर्दिक दी कमली वाला तरस ना आया मैं बच्ची दा मिट्टी पौंदा रहा बच्ची कह ली बाबा मेनू तपीना वे बाबा मेनू मारी ना अर्दिक दी सोने बच्ची दा मिट्टी पौंदा रहा मैं बच्ची दा मिट्टी पौंदा रहा मियां साहब ने फरमाया टुर गए ने दिलदार दिलाते वतनों चुके मोहा
उजड़ी बस्ती नजरिया में कंड दी कमली वाला बच्ची कह लगे बाबा अर्धी सोने बच्ची तो मिट्टी पाता रहा बच्ची ने आसमान वाल देखा रोक आख्या रब्बा मैं सुना तेरा कर सो लेने बच्चिया ना लिया और करने उन्हें बच्चिया ने उठ के खड़े आयो आ जाना है बच्ची ने आसमान वाल देखा तो रोक कह लगे जरा जल्दी आ जा दिया तेरिया रावण उड़ीकिया मड़िया दिया मर गया मैं सोने जल्दी आ जा अर्धी कमली वाला बच्चे दफने हो गई मियां साहब ने फरमाया आपने फरमा के माँ मरते मापे मुखे मुहम्मद बादशाह मुख जादा दे मेला कमली वाला बच्चे दफन हो गए नबी के मला सलाम इतना रोए सरकार ने फरमा दाहिया उस बच्चे ने फिर गाल सुन میرے آقا نے فرمایا ہر نسل جاری ہوے گی پتراں تو جڑی میں نسل سے کہ فاطمہ دے جاری ہوے گی نبی کے ملا سلام فرمایا میری سنت سنت تھیاں نال پیار کر اینو انہاں دی اچھی کر کے پرورش انہاں نوں کھڑی ٹک جڑو کل قیامت دی ہڑا ہوے گی جنت دے ہوویں گے اینج میرے نال دی شہادت نال دی ہوئی ہوندی ہے چکل سبحان اللہ ماشاءاللہ سانے سونڈ والے اللہ کے سید کے نال سرکا بھائی پچھانے تشریف لے کے آئے ہن جڑا والے نذر عاشق اللہ تعالی سلامت کی بلندی عطا فرمائے سید کے نال صدقہ نبی کے ملا سلام ذکر صدقہ سب بلندی عطا فرمائے دعا ہے اللہ کریم سب سب حاضر کو بلند مقبول فرمائے نبی کے ملا سلام دینا پیار ہی نہ کرے بھائی سفیان صاحب فیاض بھائی یقین کرے نبی کے ملا سلام اپنے بیٹے فاطمہ نے زلفان سنگ دے سن صحابہ نے عرض کی کملی والا لوگ دنیاں چوندے تے سنگ دے میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی صفت سید فاطمہ الزہرا زہرا نبی کلیم اکھے گا حضور نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ نو سننا مجھے تے خوش ہو جاؤ گی دل مصطفیٰ دا چین تے کنار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ بیٹے شہید باپ نبی فی آپت جبا اے جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ سردار جو بھی منگنے در فاطمہ تو منگ اے مختار کل دی بیٹی اے مختار فاطمہ دعا ہی لکھنے سر سب دی حاضر کو بلند فرمائے وما علیم دل بلاو